हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, खुशखबरी की। हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें, OFB या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसमें करीबन 6,066 पदों पर वैकेंसी रिलीज कर दी है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 10th पास हैं या फिर ITI है आपके पास या नॉन ITI है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लायक हैं और फॉर्म डालिएगा ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या क्या योग्यता मांगी है, कितनी फीस है, लास्ट डेट क्या है, पोस्ट कितनी है, वगैरह वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। परंतु डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, तो आप इसी वीडियो के बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार पोस्ट कितनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या है 6,066। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6,066 टोटल वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार पोस्ट नेम क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं पोस्ट टाइप, तो एक है ITI वालों के लिए, दूसरी है नॉन ITI वालों के लिए। और बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट, यहाँ पे ITI वालों के लिए है 3,847 और नॉन ITI वालों के लिए है 2,219। एंड बात करते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, आप ITI में देख सकते हैं, पास एट क्लास 10th एग्ज़ाम विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके पास उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि नॉन ITI वालों के लिए। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, पास एट क्लास 10th एग्ज़ाम विद 50% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आपके 10th क्लास में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, 10th क्लास में नॉन ITI वालों के लिए, जैसे कि यहाँ पे डाला है। अब चलिए देखते हैं और कैसे क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ एप्लीकेशन फ़ीस में, जनरल हुआ आपका, OBC है और आपका यहाँ पर दोस्तों SC एंड ST है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कि आपकी जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखा है। और इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो SC और ST है, इनके लिए फ़ीस कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नील है, 0% है फीस। और आपका जनरल और OBC है, इन लोगों के लिए 100 रुपये का पे करना होगा। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 10 जनवरी से। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बट आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 जनवरी से जारी हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी आपकी क्या, 9 फरवरी 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020 आपका 9 फरवरी 2020 इसके लिए लास्ट डेट है। और यहाँ पे फीस पेमेंट लास्ट डेट भी 9 फरवरी रखी गई है, आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। और बात करते हैं एग्ज़ाम डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून दिखा रहा है, मतलब कि जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल, यहाँ पे भी नोटिफाइड सून है कि आपको जल्दी बता दिया जाएगा कब कब आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, कितने टाइम में हो जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं फीस मोड की या फीस पेमेंट, मतलब कि यदि आप घर से ही ऑनलाइन बैठे बैठे करना चाहते हैं या फिर किसी कियोस्क पे कहीं पे भी जाके करना चाहते हैं, तो फीस किस माध्यम से पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, पे एग्ज़ाम फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड आपका और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी के माध्यम से आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ आपका फ़ीस क्या है, आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, इम्पोर्टेंट डेट क्या है। आप चाहें तो इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। बट मैंने जो जो पॉइंट आपको बताए हैं, इससे बाहर इसमें भी कुछ नहीं दिया होगा, मैंने आपको खास निचोड़ बता दिया क्या क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों की जो डेट है, यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह डेटेड दिया है। एंड यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट दी है आपकी 10/1/2020। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे 9/2/2020। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप आगे भी देख सकते हैं कि एज लिमिट बिटवीन 15 to 25 ईयर्स, अस 9 to यहाँ पे 2020 रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट्स।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो रिलैक्सेशन मिल सकते हैं जिस जिस कैटेगरी से, वो सब बताया गया है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का, और आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का, और आपका यहाँ पे फॉर फिजिकली हैंडीकैप इन लोगों के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है। किस में? एज में। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं। और जो जो यहाँ पे लिखा है आप देख लेना क्योंकि टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह दी है नॉन आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, जो कि मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे आप और आगे बढ़ेंगे तो वो भी देख सकते हैं, सारी डिटेल्स दी है, हाउ टू अप्लाई सब कुछ बताया गया है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो एज में यहाँ पे एज बहुत ही कम रखी गई है, जैसे